एक मिनट। अरे यार छुपे रहो हम लोग। अरे यार, अरे भाई साहब साइड। अरे आप साइड में तो ना यार, साइड तो हट जाइए, मिलेगा मालूम है। जान अरे यार अजय, सोनाक्षी राइट, सर राइट में जान सर। जी ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अलग है, इट्स सोप बॉक्स रेस, इसमें कोई इंजन नहीं है और आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ब्रेक, और ग्रेविटी के साथ आप नीचे जाते हो। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, इंट्रीगिंग, और इसलिए हम यहाँ पे आए बिकॉज दिस इज़ द फोर्स ऑफ नेचर, और हम लोग यहाँ पे इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए आए विथ ट्वाइस द फोर्स। दैट्स व्हाई वी आर हियर। मुझे कार चलाना पसंद है और बाइक पर पीछे बैठना पसंद है। अच्छा, आपकी मूवी आने वाली है फोर्स टू, अभी जो देश में जो एक चल रहा है 500 और 1000 के नोट्स जो चेंज हुए हैं, उससे फिल्मों पर भी काफी असर पड़ रहा है। जैसे भी रॉक ऑन टू रिलीज हुई तो जी, मतलब 2 करोड़ का ही बिजनेस कर पाए पहले, तो आपको क्या थोड़ा नर्वसनेस है कि कुछ उसकी वजह से फर्क पड़ सकता है रिलीज के बाद? जी डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से काफी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 18 तक, एंड आई थिंक पीपल हू वॉन्ट टू सी द फिल्म विल कम इन। और मुझे लग रहा है कि इतना सारा कन्फ्यूजन के बाद मेरे हिसाब से लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, और हम लोगों को एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं। हमें ये फिक्र नहीं है कि हम कितना बिजनेस करें कितना नहीं करें, ज़रूरी ये है कि पीपल शुड एक्चुअली कम इन टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग नवंबर 18th को ही आ रहे हैं, वो शिफ्ट नहीं करेंगे हम लोग, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल विल कम इन एंड वॉच द फिल्म। ऑल द बेस्ट, आई लव कस्टमाइजेशन, मैं खुद बाइक्स मोटरसाइकिल्स डिज़ाइन करता हूँ, सो कस्टमाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, एरोडायनामिक्स का भी इस्तेमाल होता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम लोग यहाँ पे हैं, बिकॉज सोनाक्षी को भी गाड़ियाँ बहुत ही पसंद है, शी एन्जॉयज कार्स, और इनके पास भी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, इनफैक्ट इनके पास 11-12 अच्छी गाड़ी है, बट इट्स फैंटास्टिक, सो We're really happy to be here. Absolutely, नहीं मैं बहुत खुश हूँ। हम जब आ रहे थे तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत फोर्स टू की कस्टमाइज सोप बॉक्स कार देखी, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, जॉन गाड़ी उठा रहा है एक 1500 किलो की, वो यहाँ पे सोप बॉक्स कार उठा रहा है, तो दैट वॉज रियली रियली क्रिएटिव, एंड आई एम लुकिंग फॉर टू सी दी अदर कार्स एज वेल। नहीं, आई फील आई वोंट कमेंट ऑन इट, नहीं तो मैं सबको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, बट आई फील अक्सर ये होता है कि हमें बोला जाता है कि गो फॉर सो मेनी शोज़, ये वो, हमें वही करना चाहिए जो फिल्म का रिक्वायरमेंट हो, एंड आई थिंक वी स्टक टू दैट।
बस उतना ही कह सकता हूँ. थैंक यू. हाउ योर नीज? इट्स परफेक्ट. हाउ आर परफेक्ट गाइस? थैंक्स. क्या homeopathy and lots of Red Bull. It's going to be fun for the full family. Leave your kids behind when you go home. Remember, don't throw 500 rupee notes onto this ground at any point, or 1000 rupee notes. It won't be appreciated. If you enjoy what you see, throw lower denominations, please. Let me tell you about Red Bull Soapbox. It's an international event that started back in the year 2000. That was the inaugural edition. This is the second, bigger and better than before here in Powai. Red Bull Soapbox 2016. Thank you very much. My one fan, thank you so much. All right, our event partners, please give them a little cheer. They put HD Cafe and HD 48 Hours, print partner. Radio City, radio partner. Hyper City, retail partner. Cafe Coffee Day, hospitality partner. PVR Cinemas, multiplex partner. Maker's Asylum, maker's space partner. Bright Outdoor, he's always there, outdoor partner. Supreme Business Park and Cake, venue partner. Force 2, movie partner, releasing on 18th November. We have the star of the film, Big Hand. He's here somewhere. Ashwini Punappa, Red Bull athlete, gold medal at the Commonwealth Games and bronze at the World Championships. Also, one of our judges, Big Hand for Ashwini. Then, Roshmita Harimurthy, Yamaha Casino Miss Diva. Let me just check, John Abraham. Oh, we're ready to kick off with Force 2. Yeah, I think it. We thought you'd never ask, Cyrus. Hi, guys. Hi, everybody. Hi. Sunakshi Sinha, John Abraham, and Cyrus Brocha, we star in the film Force 2. Respect Indian soldiers, please go and watch it, right? Absolutely. Yeah, and it releases on 18th of November, but don't worry, Cyrus is not in the film, so you will actually go and watch it. Okay, I'm just going to try and get a little taller. Feel a little uncomfortable. We stand like this. Okay, John, tell us a little bit about the Soapbox experience. You were there in Bandra the last time, 4 years ago. If not, please lie. No, I've seen the Soapbox experience and I think it's fantastic because it's just gravity and brakes. So, I wish you all the best, especially on your first turn. What's your name? Aditya. Give him a mic. I'm wishing Aditya all the best and he's only looking at Sunakshi. This is John Abraham's favorite driver, Aditya, who's been chosen. They work out at the same gym apparently. And he's got the Force 2. Indian soldiers. And it says, "Ye hai Mumbai. Police ka kaam karne ka tarika. Don't bang at the first turn. Finish the race for us. I'm very proud of you." Okay. So Sunakshi, Soapbox, your experience is quickly in less than 30 seconds. My experience, this is my first actual experience at the Soapbox. But is it true you're willing to take part in one of the races? You're actually going to get into a Soapbox and go down all the way? Listen, don't challenge me. I'm a daredevil. I will do it also. Audience, you want to see Sunakshi in a Soapbox? All the men are saying yes, yeah. For some reason. Okay. But all right. Madhavya will have to ride in the back seat with me, so I am going alone. Okay. John Abraham, Sunakshi Sinha from Force 2. Thank you so much. You're going to flag off this entire 2016 Red Bull Soapbox experience. Yeah, Nikesh. Are you ready? Please take photo opportunity. On the count of three, John and Sunakshi are going to flag off Red Bull Soapbox 2016. Ek, pe, dun! Yeah, why am I? Release you in 2 minutes. Faster than I release the ladies. Alright, we're ready for the second hill. Please move behind. And yeah, he's in very bad shape. But John, if you run back, run to the bottom, we'll figure out what to do with him. Good news, the car is okay. Bad news, the guy is gone. Sir, I'm ready. Yeah, I'll Neil Mehta is ready with some very interesting paraphernalia on the Red Bull Soapbox. Red Bull Soapbox. Can we let it go? Can I move? Okay, a quick bye then to Sunakshi and John, everybody. Sunakshi and John, can you say bye? Pawai, say bye. They can't see you. No, don't push him yet. All right.
Let's find out what's happening next. The team is going to perform, is it? Performance. Odyssey recycled by our four dancers. Now Neil Mehta of Red Bull is ready for the race. A buzzer is going to go off and that will be the cue, am I right? Okay, bring him a little closer. Ready, ladies and gentlemen? John. Red Bull will flag up the entire race. The young lady will get out of the way. Are you scared? I'm kind of scared. Are you wearing abdomen guard? I don't know. Oh boy. The lower body is where the engine is. Here it is, Neil Mehta with the first Red Bull team on Mars.